सम्माननीय विचार मंच और मंच पे विराजमान सभी सम्माननीय, जैविक किसान संगोष्ठी एवं कार्यशाला में उपस्थित सभी किसान भाई और बहनों, आजादी से पहले एक गाना बहुत जोर जोर से चल रहा था, खींच लो अपने खुद से जमीन पर लकीर, इस तरफ आना पाए न रावण कोई, काट दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए ना सीता का दामन कोई, राम तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। ऐसे कुछ गाने चलते थे, लोगों के दिल में आजादी के बारे में ख्याल आते थे, लोग इकट्ठा हुए, आजादी का जश्न चला और 150 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद हम तो आजाद हो गए, एक आजाद भारत का नक्शा तैयार हो गया और धीरे धीरे पूरे विश्व में भारत देश की छवि बनाने का प्रयास शुरू हो गया। 1950 में हम रिपब्लिक बने, 1951 से लेकर हमारी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई, जहां से 1951 से लेकर 1955 तक, 1956 से लेकर 1960 तक दो पंचवर्षीय योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा हमारा जो ध्यान था वो औद्योगिक क्षेत्र के विकास पे गया। 1962 में हमारे ऊपर एक देश का आक्रमण हुआ, 1962 में फिर एक बार हमें युद्ध करना पड़ा पाकिस्तान के साथ और 1966 के बाद हमारे देश की हालत कुछ इस तरह से बिगड़ गई कि भारत के दूसरे पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब इस देश की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, तब कहा जाता है उस समय पे लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने दो चुनौतियां थी, जिसमें सबसे पहले चुनौतियां थी 1965 में कि हमारे ऊपर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था और दूसरी चुनौती थी कि भारत के विभिन्न राज्यों के कोनों कोनों में अकाल पड़ा हुआ था। तो एक ही समय पे दो चुनौतियां थी, भारत को विदेशी आक्रमण से बचाना और भारत के लोगों की भूख को मिटाना। रामलीला मैदान के ऊपर सबसे पहला जो भाषण लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया कि इस देश की सीमा की रक्षा करने वाला जवान जितना हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण अपने खेतों में पसीना निकाल के देश के लोगों की भूख मिटाने वाला किसान, और तब से नारा गूंजने लगा जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा लगने के बाद धीरे धीरे हम खेती में तकनीकियां लाते गए, धीरे धीरे देश को हमें स्वयं पूर्ण बनाना था, आत्मनिर्भर बनाना था, चावल और गेहूं के संकरित बीज लाए गए और देश को स्वयं पूर्ण लेने की चुनौती उठाई पंजाब और हरियाणा में। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे जो पहला डैम कंस्ट्रक्ट किया गया भाकरा नांगल, जिसका एक ही मकसद था खेती के लिए सिंचाई उपलब्ध कराना। खेती के लिए सिंचाई उपलब्ध हो गई, धान और गेहूं के संकरित बीज हमारे देश में आ गए और धीरे धीरे जिस खेत से हमें एकड़ में एक या डेढ़ क्विंटल धान या गेहूं तैयार होता था, उसी खेत में हरित क्रांति के बाद हम 10-10, 15-15 क्विंटल का उपज लेने लगे, धीरे धीरे हमारी उपज बढ़ने लगी। 1970 में हमारी आबादी थी 40 करोड़, 1965 से 70 के बीच में हमारी आबादी थी 40 करोड़ और 40 करोड़ आबादी की भूख मिटाने के लिए हमने PL 480, जिसको नागरिक कायदा बोलते हैं 480, वो साइन किया था और उसके जरिए हम अमेरिका और रशिया से गेहूं और धान की आयात कर रहे थे। देखिए 50 साल पहले का ये नजरिया है कि 40 कोटी लोगों की भूख मिटाने के लिए हम अमेरिका और रशिया से आयात कर रहे थे, 2019 का ये सिलसिला है कि आज हमारी आबादी 130 करोड़ से ऊपर जाने के बाद भी अकाल का ये सिलसिला अगर 2 साल भी जारी रहा, फिर भी हमारे देश में एक भी आदमी भूखा नहीं सोएगा, इतनी अनाज की फसल हमारे गोदामों में आज भी भरी पड़ी है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है आप किसानों का। आप किसानों ने पिछले 50-60 साल में जिस तरह से पसीना निकाल के खेतों में काम किया है, जिस तरह से वैज्ञानिक लोगों ने आपके खेतों पे लाकर तकनीकियां दी है, जिस तरह से गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी, उसके जरिए आज हम धान के हिसाब में, गेहूं के हिसाब में, सब्जियों के स्तर में
दूध के स्थल में पूरे विश्व में राज कर रहे। 50-60 साल से जिस तरह से खेती चलती गई है, उस खेती से हम विश्व में एक छवि बनाए बैठे हैं। हम विश्व के विभिन्न राज्यों में आज भी हमारी सब्जी या फल भेजते हैं। मैं उस गांव से आया हूं जिस गांव से हम हर साल कम से कम 20 से 30 कंटेनर अंगूर के यूरोप के मार्केट में भेजते हैं। देश प्रगति कर रहा है, लेकिन जिस तरह से तकनीकियां हम किसानों तक लेके गए, और अभी वैज्ञानिक साहब बोल के गए कृषि विज्ञान केंद्र के जो हेड थे, उन्होंने आपको नील हरित काई का खेती बताया, ट्राइकोडर्मा आप घर के घर में कैसे बना सकते हो ये बताया, बीजोपचार बताया, लेकिन तकनीकियां को इस्तेमाल करने में बहुत बार हम किसान लोग छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। और इसी का सिलसिला ये जारी रहा कि 50 साल पहले आधी बोरी यूरिया से भी हमारी 10 क्विंटल धान आती थी, आज 4-4 बोरी यूरिया डालने के बाद भी किसान का यही सवाल है कि जितनी चाहिए उतनी धान की फसल हमें आप मिल नहीं रही। एक बोरी डीएपीपी में हमारा धान की फसल, गेहूं की फसल निकलती थी, आलू निकलता था, गन्ना निकलता था, लेकिन आज 4-4 बोरी डीएपी डालने के बाद भी हमारा किसान हर दिन रोता है कि कितना भी खाद डाले पैदावार उस तरीके से मिल नहीं रही। तो फिर गलती कहां पे हो गई है? गलती उस वहां पे हो गई है कि हर बार तकनीकियां पहुंचाते समय हर बार आपको बताया गया है कि खेतों में कोई भी रासायनिक खाद डालने से पहले आपको 2 या 4 गाड़ी बैलगाड़ी गोबर खाद आपके खेत में डालना ही चाहिए। मेरे पहले जो महोदय यहाँ पे बात करके गए, मुझे बहुत फक्र महसूस हुआ कि आज भारत के देश पे विचार मंच पे किसान लोग आके बातें कर रहे हैं, सक्सेसफुल फार्मर्स आके अपनी स्टोरी बता के जा रहे हैं। ये बहुत फक्र की बात है, उन्होंने खेती में पढ़ाई के बाद काम किया है। आर्या अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन इंडियन एग्रीकल्चर, ये आईसीआर का जो मोटो है, उस मोटो में ये हमारे प्रमोद शर्मा साहब जैसे लोग, आपको लगेंगे वो युवा नहीं है लेकिन वो युवा ही है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है खेतों में काम। और इसीलिए आने वाले दिनों में हमें सही तरीके से सही तकनीकियां इस्तेमाल करके, अगर एक किसान इसी छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर जिले में ये कर दिखाता है, तो ऐसे 100 किसान धमतरी जिले में भी करके दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में वो अंदरूनी ताकत पैदा होनी चाहिए। आज इस विचार मन से मैं विस्तृत में बाद में बोलने वाला हूँ, लेकिन 4 चीजों के ऊपर आपका ध्यान यहाँ पे अट्रैक्ट करना चाहूंगा, जिसके लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। धमतरी जिले के कलेक्टर महोदय सर ने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया है, 4 ही बातों के दोहराने के लिए मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा। सबसे पहले जिस मिट्टी में हम खेती कर रहे हैं, जिस मिट्टी को हम अपनी माता बोल रहे हैं, सही में हम उसको उसी ढंग से संभाल रहे हैं क्या? जिस मिट्टी से हम पैदावार निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसकी सेहत बिगड़ गई है। अभी ये प्रमोद शर्मा सर बहुत अच्छी तरह से बोल के गए कि रसायन डाल 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 के हमारी मानसिकता भी रासायनिक हो गई है। रसायन डाल के हमने मिट्टी खराब की, रसायन डाल के हमने पानी खराब किया, रसायन डाल के हमने हवा खराब की, और इन सब का नजरिया ऐसा हो गया कि इसी रसायन के वजह से हमारी मानसिकता भी खराब हो गई है, और इसीलिए एक दूसरे का सक्सेस अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है क्या? व्हाट्सएप, फेसबुक डेली हम देखते हैं, डेली हम एक दूसरे को अंगूठा दिखाते हैं, दिखाते हैं क्या? किसी ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो हम अंगूठा दिखाते हैं, बुके भेजते हैं व्हाट्सएप पे। लेकिन मैं अगर ये सवाल पूछूंगा कि कितने लोग यहाँ पे तहे दिल से अंगूठा भेजते हैं, तहे दिल से बुके भेजते हैं, एक भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर में कुछ बदलाव सा आ रहा है, हमें एक दूसरे का सक्सेस दिखाई नहीं दे रहा है, और इसका कारण हमारे मिट्टी में पड़ा हुआ है। हम मिट्टी की सेहत बिगाड़ चुके हैं, इसलिए हमारा पानी बिगड़ा है, इसलिए हमारी हवा बिगड़े, और इसलिए हर दिन हम कोई ना कोई अस्पताल में जा रहा है। मैं बहुत बार बोलता हूँ, मेरा सबसे पहला कृषि स्नातकोत्तर का डिग्री होने के बाद पहली किताब मैंने लिखी थी, वो भी धान की फसल के ऊपर थी। धान की फसल पे जो किताब मैंने लिखी थी उसमें पहला सेंटेंस था कि धान की खेती ये दरिद्री लोगों की खेती है। अभी बहुत से किसान मेरे ऊपर गुस्सा हो जाते हैं कि आप हमको दरिद्री लोग बोलते हो, लेकिन हालांकि अगर सही में धान की खेती की तरफ देखा जाए तो एक तो 4 महीने लगातार पड़ने वाली बारिश की वजह से आप दूसरी कोई फसल लगा नहीं सकते थे। दूसरी बात यह है, धान में कितना भी काम करो आप, सही में अगर आप एक पेपर पे
तो हर साल मैं आपको लिख के देता हूँ, एकड़ में आप 1000 या 2000 रुपए से घाटे मिल जाओगे। ये फैक्ट है, कोई भी यहाँ फायदे में नहीं है, किसी को भी मुनाफा नहीं मिल रहा है। 1000-2000 रुपए घाटे में जाने वाले किसान है प्रोफेसर यहाँ पे। सही में अगर हम डीएपी का खर्चा निकाले, सही में हम यूरिया, सही में हम लागत का खर्चा, जुताई का खर्चा, मिटाई का खर्चा, रोपाई का खर्चा सब एक पेपर में लिखेंगे और इस खर्चे को अगर जोड़ देंगे तो धान बेचने के बाद बाजार से जितना पैसा आता है उसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि हमें मुनाफा कुछ नहीं हुआ है, खाली रोटेशन घूम रहा है। तो चार चीजों को मैं फिर से दोहराता हूँ और बाद में विस्तृत में हम मिट्टी की सेहत के ऊपर ध्यान देना है। और इसीलिए हर साल कम से कम एक बार हमें अपने मिट्टी का परीक्षण करना चाहिए। बहुत बार बातें हुई, बहुत सालों से बातें चल रही है, लेकिन हम किसान उसी प्रकार से मिट्टी की परीक्षण की ओर नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? अगर डॉक्टर भी हमें बोल देता है कि आप अपने खून और पेशाब की जांच करवा के लाओ तो क्या बोलते हो आप डॉक्टर को? 2-4 दिन जरा गोलियों के ऊपर चला दो, नहीं होगा तो हम कर लेंगे। अगर हम खुद के सेहत के लिए इतने जितनी जानकारी हमें चाहिए वो नहीं है तो मिट्टी की सेहत कहाँ रखेंगे। और इसीलिए सबसे पहला मेरा यहाँ पे आह्वान होगा आप सभी लोगों को, आज इस मन से अगर कुछ लेके जाना है तो सबसे पहले दिमाग में बिठा दो 50 साल से हमने मिट्टी की सेहत को बिगड़ाया है, उसे अगर उसमें अगर हमें सुधार लाना है तो कम से कम एक बार मिट्टी का परीक्षण करना है और मिट्टी के परीक्षण के आधार पे ही हमें आने वाले दिनों में खेती करनी है। रसायन हमसे छूट जाएंगे ये मैं यहाँ इस मंच से इतना डेयरिंग से नहीं कह पाता हूँ, लेकिन रसायन हमें धीरे धीरे छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। अगर 2 बोरियां यूरिया की डाल रहे हो तो इस साल 1 बोरी पे आ जाओ। जिस तरह से अभी वैज्ञानिक साहब यहाँ पे बोल के गए एवीके के, सही में हम नील हरित काई को डाल रहे हैं क्या? सही में हम बीजोपचार कर रहे हैं क्या? पहला मिट्टी परीक्षण, दूसरा बीजोपचार। यहाँ पे ज्यादा माताएं बैठी है और इसीलिए दूसरी बात को मैं अध्यक्ष महोदय मैं यहाँ विस्तृत से बोलूंगा। बीजोपचार के बारे में हम बहुत ही अनभिज्ञ हैं। यहाँ पे मुझे किसान लोग जितने भी बैठे हैं मैं उनको एक सवाल पूछूंगा कि अभी जिस धान की फसल की आपने बुआई की थी कितने लोगों ने बीजोपचार करके धान की बुआई की थी? वो लोग हाथ ऊपर करें। देखिए बदलाव आ रहा है, 400-500 लोगों में से 50 लोग बदल रहे हैं, इसका मतलब बदलाव आ रहा है। बीजोपचार क्यों करना है? बीजोपचार करना इसके लिए है क्योंकि हमारी मिट्टी बिगड़ी है, मिट्टी की हालत बिगड़ी है। और ऐसा कहा जाता है जब तक हाथ में आपके बीज है तब तक ही आपके, एक बार अगर आपने मिट्टी में डाल दिए तो उसकी जिम्मेदारी या तो फिर मिट्टी की, दूसरी वातावरण की। मिट्टी ही बिगड़ी है, वातावरण भी बिगड़ा है, इसीलिए कितना भी अच्छा बीज आप मिट्टी में डालो वातावरण और बिगड़ी हुई मिट्टी उस बीज को बिगाड़ देगी। मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ, छोटे बच्चों के ऊपर संस्कार करना जरूरी है क्या? हेलो, सुन रहे हो? संस्कार करना जरूरी है, क्यों नहीं संस्कार किया तो हो नहीं सकता? क्यों नहीं होगा? बच्चों के ऊपर संस्कार करना जरूरी है क्या? बोलिए बोलिए, जरूरी है। क्यों नहीं किया तो नहीं चलेगा, बिगड़ जाएंगे। क्यों बिगड़ेंगे? समाज बिगड़ा है, समाज बिगड़ा है, समाज के लोग बिगड़े हैं। इसका मतलब है समाज बिगड़ा है, समाज के लोग बिगड़े हैं, इसीलिए छोटे बच्चों के ऊपर अच्छा संस्कार करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी बीजोपचार है। अभी दूसरा सवाल, संस्कार कब करना है? बच्चों के ऊपर संस्कार कब करना है? जल्दी बोलिए। बचपन से मतलब कितने उम्र से? 4 साल के बाद। और पांच साल के बाद ये जवाब दे रही है। 5 साल के बाद बच्चों को स्कूल में कब भेजते हो? 4 साल के बाद। इसका मतलब है 5 साल हमने इसलिए बता दिया कि अगर बच्चे अच्छे हो गए तो हमारे बच्चे, और बच्चे बिगड़ गए तो आजकल स्कूलों में टीचर ही खराब है क्योंकि 5 साल के बाद तो टीचर को पास भेजा था ना, यही सिलसिला है ना। बच्चों के ऊपर संस्कार कब किए जाते हैं ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। जब तुम्हें हमें सबको मालूम नहीं होता कि माँ बनने वाले हो, चाचा बनने वाले हो, दादा बनने वाले हो, नाना बनने वाले हो, नानी बनने वाले हो, उसके पहले माँ के गर्भ में जो जीव पैदा होता है वहां से लेके जन्म लेने तक जो 9 महीने का कालावधि है उसी के बीच में जो बच्चा सुनता है वो उसके जिंदगी के संस्कार है। बाद में कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता बाद के संस्कार। ये मैं बात क्यों दोहरा रहा
एक्टिविटी में नहीं डाला तो फिर बाद में आपको कंप्लेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। बच्चों के ऊपर संस्कार और सही समय में नहीं हुआ तो समाज को दोष देने का आपका अधिकार नहीं है। आपको अधिकार है सही समय पे सही संस्कार करने का। मेरी एक विनती रहेगी, यहाँ पे मैं विचार मंच को भी ये बात दोहराऊंगा कि धन्वंतरी के जरिए हमने धमतरी, राजनांदगांव, दुर्ग इस जिले में कम से कम 600-700 एकड़ में बीजोपचार के डेमो लगाए हैं, जिसके नतीजे आने वाले महीने दो महीने में दिखाई देंगे। हमारा यही सिलसिला आगे चल के 5,000-10,000 एकड़ पे जाएगा। बीजोपचार को लेके ही हम काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीजोपचार के लेके ही अगर काम करेंगे तो ही आने वाले दिनों में हम खेती की समस्याएं कम करेंगे। बीजोपचार किया हुआ बीज की उगवन क्षमता ज्यादा आएगी, उसके जड़े मजबूत हो जाएंगी, मजबूत जड़े मिट्टी से ज्यादा खाद उठाएगी। जितना ज्यादा से ज्यादा जड़े खाद उठाएंगी उतना पौधा तंदुरुस्त होगा। जितना पौधा तंदुरुस्त होगा उतना ही पौधे की कीड़ों के और रोगों के खिलाफ लड़ने की ताकत आएगी, और तभी जाके हम किसानों को बोल पाएंगे कि कीटनाशक मत छिड़काओ, खरपतवार नाशक मत छिड़काओ, रोग नाशी मत छिड़काओ। क्योंकि जड़े जब तक मजबूत नहीं तब तक हम कुछ भी मजबूत नहीं कर सकते। तो सही महीने में हमें अगर खेती में काम करना है तो बीजोपचार, मिट्टी परीक्षण, इसके ऊपर ध्यान दे दो। अभी जाते जाते मैं विस्तृत में बाद में बोलने वाला हूँ, लेकिन जाते जाते जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ वो है किसान उत्पादक कंपनी, जिसके एक दो कंपनी के डायरेक्टर भी, अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पे बैठे हैं। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उपज कंपनी, किसानों ने इकट्ठा आके अपनी कंपनी स्थापित करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? बहुत बार सवाल आते हैं क्यों करनी चाहिए, हम तो खेती कर रहे हैं। लेकिन किसान उपज कंपनी के दो ही मकसद है, एक तो पहला लागत खर्च में कटौती करके पैदावार को बढ़ाना। किसान उपज कंपनी का पहला मकसद क्या है? लागत खर्च में कटौती करके पैदावार को बढ़ाना। और दूसरा है जो पैदावार हमने निकाली है उसके लिए मार्केट खुद सर्च करना। देखिए जैविक किसान संगोष्ठी के मेरे सामने फ्लेक्स लगा है, किसान बाजार धमतरी, हमारी बाड़ी हमारा बाजार, बाजार ही हमारा होना चाहिए। जो धान हमने उगाया है, जो गेहूं हमने उगाया है, जो अनाज हमने उगाया है, उसके लिए ग्राहक भी आने वाले दिनों में हमें ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जो ग्राहक ढूंढ सकते हैं वही आने वाले दिनों में खेती में सक्सेसफुल रहेंगे। और इसीलिए मैं आज इस मंच से एक आह्वान करके आपको जाऊंगा कि अगर आप एफपीओ के मेंबर हैं तो अच्छा है, नहीं है तो जल्द से जल्द इकट्ठा के एफपीओ कीजिए। क्योंकि यही एफपीओ आने वाले दिनों में, क्या एफपीओ करनी है हमें? किसान उपज कंपनी क्यों स्थापित करनी है? क्योंकि देखिए अगर आज भी हम धमतरी के किसी बाजार में जाएंगे तो ठेली पे हमें सेब दिखाई देते हैं, देते कि सेब, बहुत बार अमेरिका के सेब भी धमतरी में मिलते हैं। अमेरिका से जहाज से सेब भेजने के बाद धमतरी में हमने अगर 100 रुपए से भी सेब खरीदी किए तो भी अमेरिका का किसान फायदे में है। 100 रुपए के ऊपर सेब का रेट है क्या? 200 रुपए। फिर भी 200 रुपए अमेरिका से 200 मील दूर जहाज से यहाँ भेजने के बाद 200 रुपए का रेट भी अमेरिका के किसान को में अच्छा लगता है, और शिमला से या कश्मीर से आने के बाद 150-200 रुपए मिलने के बाद भी हमारा किसान बोलता है कि खेती फायदेमंद नहीं है। क्यों नहीं फायदेमंद? क्योंकि आज भी अमेरिका, रशिया जैसे बाहर के देशों में एक एक किसान के पास 500 एकड़, 1,000 एकड़, 2,000 एकड़ खेती है। इसीलिए 2000 एकड़ खेती में जितना लागत खर्च लगता है उसको अगर डिवाइडेड बाय 2000 करें तो एक एकड़ का खर्चा बहुत कम आ जाता है। हमारी खेती है 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, ज्यादा से ज्यादा 10 एकड़, और इसीलिए हमारा लागत खर्च बढ़ रहा है। किसान उपज कंपनी का मकसद ही ये है कि 100 किसान, 200 किसान, 500 किसान अगर इकट्ठा आ गए तो 500 किसानों की 5 एकड़ के हिसाब से भी देखेंगे तो 2500 एकड़ की खेती हो गई। 2500 एकड़ खेती में मैकेनाइजेशन आ गया, 2500 एकड़ के खेती में नई तकनीकी आ गई, 2500 एकड़ के खेती में नई नए इनपुट्स आ गए, तो 2500 एकड़ के खेती से निकली हुई उपज को, पैदावार के लिए मार्केट भी हम यहाँ से दिल्ली तक, यहाँ से दुबई तक, यहाँ से सिंगापुर तक भी कर सकते हैं। तो जाते जाते मेरी विनती यही रहेगी कि जिस विचार मन से यहाँ पे मुझे बुलाया गया था, एक तो मकसद है हमारा बीजोपचार, मिट्टी की सेहत में सुधार लाना, और दूसरा है एफपीओ का संगठन दिन बदन बढ़ा के एफपीओ को स्वयं पूर्ण बनाना। क्योंकि आने वाले दिनों में
किसानों की खुद की कंपनी ही किसानों को सही राह दे सकती है। और इसीलिए इस मंच से मैं फिर से एक आह्वान करूंगा कि देखिए वातावरण में बदलाव आ रहा है। 5 साल पहले की धान की खेती और आज की खेती बहुत फर्क है। 5 साल पहले 5 या 10 जून को बारिश चालू हो जाती थी, सितंबर एंड तक बारिश खत्म हो जाती थी। 5 साल के बाद का आज का सिलसिला पिछले 5 साल से जारी है। जुलाई भी आई है तो बारिश शुरू नहीं होती है, देरी से शुरू हो गई बारिश, देरी से चलती है, हम देरी से धान लगाते हैं और हार्वेस्टिंग के टाइम पे फिर से रिटर्न मानसून आके हमारी धान की फसल को खराब कर देता है। इसका मतलब खरीफ का जो हंगाम है, मानसून के हंगाम, हमारा पूरी तरह से धोखे में आ गया है। हमारे लिए एक ही हंगाम है, वो है बारिश के बाद का हंगाम। इसीलिए धान के बाद की फसल के ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। अभी देखिए, एक दिन बारिश चलती है, 10 दिन बारिश रुकती है, 10 दिन बारिश रुकती है, फसल पीली हो जाती है। आप बाजार में जाते हो, यूरिया उठाते हो, फसल में फैलाते हो, 2 दिन फसल जैसे ही हरी हो जाती है उसके ऊपर महुआ आ जाता है, जैसे ही फसल हाली हो जाती है उसके ऊपर रोग आ जाता है। आप फिर कीटनाशक छिड़काते हो, आप फिर रोगनाशी छिड़काते हो और फिर बोलते हो कि धान की फसल की लागत की खर्चाएं बढ़ गई है। अभी देखिए वातावरण में आए इस बदलाव में हमें बहुत सही ढंग से काम करना चाहिए। अगर आपने गोबर का खाद इस्तेमाल किया है, अगर आपने केचुआ खाद इस्तेमाल किया है, अगर आपने ब्रह्मास्त्र, जीवामृत, दशपर्ण्यार इसको छिड़काया है तो आने वाले दिनों में आप रोगनाशक और कीटनाशक का मात्रा को कम कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बैठे हुए किसानों को मैं फिर से एक बार विनती करूंगा, खाने वाला ग्राहक बदल गया है, खाने वाला कस्टमर बदल गया है। खाने वाला बोलता है मैं 100 रुपए से चावल लेने की ताकत रखता हूँ, लेकिन तुमने ये जस्टिफाई करके देना चाहिए कि मैंने चावल में, धान में, यूरिया में इस्तेमाल किया। सब्जी खाने वाला ग्राहक बदल गया है, वो 50 रुपए 100 रुपए किलो से सब्जी खरीदने की ताकत रखता है, लेकिन उसको चाहिए बिना कीटनाशक, बिना रोगनाशक की खेती। और इसीलिए आने वाले दिनों में अगर कस्टमर बदल रहा है तो हमें भी बदलना होगा। यही एक विनती करता हूँ और यहाँ पे आपका आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।